कहते क्या है हम तुम्हारा, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या है? मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। क्यों बढ़ाए पूजा ने अपनी फीस? कैसे मिलेगी फैंस को इंटरेस्टिंग ट्रीट? किस एक्ट्रेस को पीछे छोड़ा पूजा ने? दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। दोस्तों, आप सभी को बताएं कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की, जहाँ किसी के भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म मेकर्स किसी फिल्म को बनाने से पहले और उसमें एक्ट्रेस को कास्ट करने से पहले अपनी जेब देखते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम की। राधे श्याम एक रोमांटिक फिल्म है और इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर इसमें थ्रिलर का एहसास भी होता है। फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े की जोड़ी है। यह फिल्म 14 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। फिल्म में भाग्यश्री के अलावा जगपति बाबू, सचिन खेड़ेकर और कुणाल रॉय कपूर भी हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े एक ऐसे किरदार में नजर आने वाली है जो उनकी अभी तक के एक्टिंग करियर का सबसे अलग रोल होने वाला है। पूजा ने हमेशा हमें अपने लुक से इंस्पायर किया, लेकिन राधे श्याम फिल्म में उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी रियल पोटेंशियल दिखाने और अपने कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से पर्दे पर पेश करने का मौका दिया गया, इसीलिए ये फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रीट होने वाली है। वैसे अगर बात करें पूजा की फिल्म के लिए डिमांडिंग फीस की, तो वो बताई जा रही है 3.5 करोड़। जी हाँ, अब तक पूजा हेगड़े ने जितनी भी फिल्में की उसकी फीस लिमिट हमेशा 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच रहा है, लेकिन पहली बार होगा कि वो अपनी फीस लिमिट से बाहर जाकर चार्ज कर रही है। वैसे तो साउथ इंडस्ट्री में पूजा का नाम भी उन एक्ट्रेसेस में शामिल है जो हाई पेड एक्ट्रेसेस के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने साउथ की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को भी पीछे छोड़ दिया, जो फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस डिमांड करती है। अनुष्का शेट्टी अपनी हर फिल्म के लिए 3 करोड़ चार्ज करती है। वैसे आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि हो सकता है पूजा कुछ फिल्मों बाद एक बार फिर अपनी फीस बढ़ा ले। ऐसे उनकी फीस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है उनकी हिट फिल्में, जैसे हाल ही में उन्होंने अर्जुन स्टारर फिल्म अला वैकुंठ पुरुमल्लुम में काम किया था और वो फिल्म सुपरहिट हुई थी। वैसे ही फिल्म महर्षि, जिसमें उन्होंने एक्टर महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर किया और इस फिल्म ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया था। हिट फिल्मों के अलावा उनकी फीस बढ़ने की सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अब वो एक पैन इंडियन एक्ट्रेस बन चुकी है, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो लोगों की पसंद वो फिल्म मेकर्स की पसंद। वही अगर पूजा हेगड़े की वर्क फ्रंट की बात करें तो पैन इंडिया फिल्म राधे श्याम के अलावा पूजा जल्द ही रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस, सलमान खान के साथ कभी ईद कभी दिवाली, रामचरण के साथ आचार्य, मोस्ट एलिजिबल बैचलर और डबल सुपरस्टार धनपति विजय के साथ थैलापैथी 65 में नजर आने वाली है। यानी कुल मिलाकर 5 फिल्में पूजा की आ रही है ऑन द वे। तो आप लोग पूजा की इन फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट तो काफी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें।